निमाड़ क्षेत्र में सुख समृद्धि और शांति की कामना को लेकर 5 दिनी पंचकोशी यात्रा निकाली गई थी, जिसमें 5,000 से अधिक श्रद्धालु रविवार को सुखद अनुभूति लेकर वापस नवग्रह मंदिर लौटे। यात्रा की शुरुआत 28 दिसंबर को कुंदा तट स्थित नवग्रह मंदिर से की गई थी। यात्रा लौटने पर श्रद्धालुओं ने नवग्रह भगवान के दर्शन किए। यात्रियों के लिए यहां भंडारा प्रसादी का आयोजन भी किया गया। भोजन प्रसादी ग्रहण कर यात्री अपने अपने गंतव्य को रवाना हुए। पंडित लोकेश जागीरदार ने बताया कि यह यात्रा प्रतिवर्ष पौष कृष्ण में निकाली जाती है। 5,000 से अधिक महिला पुरुष निशक्त जन पदयात्रा में शामिल हुए थे। करीब 75 किलोमीटर की यात्रा में 20 गांवों की सीमाओं से होकर गुजरे। विभिन्न पड़ावों पर ठहरते हुए रोजाना 15 किलोमीटर का सफर तय किया। यात्रा के लौटने पर तिरुपति बालाजी भक्त मंडल और रवि जोशी मित्र मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। यहाँ विधायक रवि जोशी सहित मंडल के 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सेवा की। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।